सो एक्सेल भाई ने आज अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की जिसके अंदर उन्होंने जो प्रोवाइड किया था एक जो है फ्री फायर का अमेजोन ऐप स्टोर का वर्जन, जो कि मुझे इंतहाई बकवास लगा। और क्यों लगा ये मैं तुम लोगों को बताता हूँ, वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना ताकि तुम लोगों को समझ आए और इसको यूज करने का तुम लोगों को फायदा होने वाला है कि नहीं होने वाला वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो मैंने क्या किया मैं तुम लोगों को बताता हूँ। बेसिकली मैंने जो पुराना जो फ्री फायर जो मैंने जो X86 वर्जन जो डाउनलोड करके तुम लोगों को दिखाया था उसको मैंने जो सबसे पहले ओपन किया और उसमें मैंने जो FPS नोट किया कि मुझे कितने FPS देखने को मिलते हैं। उसके बाद मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में गया। ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर मैंने देखा मुझे जो कंसिस्टेंट जो 30-35 FPS जो देखने को मिले थे जो कि ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर मिल रहे थे। जब हम फाइट वाले जो ग्राउंड के अंदर जाते हैं वहाँ जो डायरेक्टली एकदम से FPS जो गिर जाते हैं और 15-14-20-25 इतने FPS आते हैं, बहुत ही लो FPS आते हैं। उसके बाद मैंने जो थोड़े एक दो गेम खेली मैंने ट्राई किया, मैंने कहा देखता हूँ जो कितने कंसिस्टेंट जो FPS देखने को मिले, तो जो 12-17-20 इससे ज़्यादा FPS मुझे देखने को मिले ही नहीं, बहुत गंदे। जब जो मेरा बंदा मरता था तब जो 34 FPS मिलते बट पैसेज जो स्टेबल 12-16 इस तरह बहुत गंदी गेम चली थी। बट मैं वापस जब ट्रेनिंग ग्राउंड में आता तो फिर FPS सही हो जाते। तो फिर मैंने क्या किया इसको जो अनइंस्टॉल किया अपने जो MSI ऐप प्लेयर से और उसके बाद मैंने डाउनलोड किया वो वाला वर्जन जो हमें एक्सेल भाई ने जो प्रोवाइड किया था, जो कि अमेजोन ऐप स्टोर पर अगर तुम लोग डाउनलोड करना चाहो वहाँ से कर सकते हो। सो एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि एक्सेल भाई ने जो है वो कंपेरिजन किया था मेन फ्री फायर का इस अमेजोन वाली फ्री फायर से, बट मैं जो है X86 फ्री फायर का कंपेरिजन करूँगा इस अमेजोन वाली फ्री फायर के साथ। उसके बाद मैंने उसको इंस्टॉल किया MSI ऐप प्लेयर में, इंस्टॉल हुआ वर्जन एंड उसको जो मैंने ऑन किया। ऑन होने के बाद जो उसने भाई परमिशन वगैरह मांगी जैसे फ्री फायर मांगती है सेम वैसे ही था, सेफ वर्जन था, इजीली जो डाउनलोड हो गया। उसके बाद मैंने उसको जब ओपन किया और जब वो रन हो रहा था तो मुझे स्टार्ट में जो 200 कुछ FPS देखने को मिले थे जो कि जो मिल जाते नाम। उसके बाद जब लोडिंग स्क्रीन तब भी मुझे 100 FPS देखने को मिले, मैंने कहा यार ये तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया यार, इतना फर्क कैसे पड़ सकता है, 60 FPS देखने को मिले कभी 70। तो मैंने जो मैंने कहा जो देखता हूँ आगे जाके क्या होगा, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाता हूँ। तो उसके बाद जो है मेरे अकाउंट वही जो पुराना था गेस्ट वाला वही मैंने लॉग इन किया और 50-60 FPS मुझे आ रहे थे। जैसे ही लॉबी में गया हूँ तो 20 FPS आ गए, फिर 40 आ गए। लॉबी के अंदर जो हमें जो 30-40 FPS देखने को मिले थे इस वर्जन के जरिए, तो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड डाउनलोड नहीं था तो वो मैं डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। तो उसके बाद जो मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड जब डाउनलोड कंप्लीट हुआ मैं जो ट्रेनिंग ग्राउंड में गया और जब मैं ट्रेनिंग ग्राउंड में गया जहाँ पे हम लोग जाओ प्रैक्टिस करते हैं उसके अंदर हमें देखने को मिले थे 30-35 FPS जो हमें X86 वर्जन के अंदर देखने को मिलते थे एज इट इज सेम। सो उसके बाद मैंने थोड़ा सा प्ले किया, मैंने कहा शायद FPS बढ़ जाए, देखता हूँ क्या फर्क देखने को मिले, बट 40 FPS से ऊपर नहीं जा रहे थे। 40 FPS मुझे प्रैक्टिस जो यहाँ पे देखने को मिल रहे थे और उससे ऊपर नहीं गया, उससे नीचे आ रहे थे 25-30 जब मैं फाइट लेता है बंदे को मारता बट फिर वापस जो ऊपर आ जाते जब मैं नॉर्मल खड़ा रहता। उसके बाद मैंने कहा अब मैं जाता हूँ जो फाइट जोन में और वहाँ जाके मैं देखता हूँ कि ना हमें कितने FPS देखने को मिलते हैं। सो जैसे ही मैं फाइट जोन के अंदर गया एज इट इज सेम जो है वो 20 FPS पे आया, उसके बाद 24 पे, 20 पे और 12-14 बिल्कुल सेम जैसे जो हमें X86 वर्जन पे देखने को मिल रहा था। बट थोड़ा सा लिटिल बिट सा फ़र्क देखने को मिला मुझे जहाँ पे उसके अंदर जो 20 से ऊपर FPS नहीं जा रहे थे, यहाँ पे कई कई बार 28 भी देखने को मिले थे और कई कई बार जो बहुत लो भी देखने को मिले थे, यानी 11, 10 भी या 9 तक भी FPS जा रहे थे। तो इसलिए मुझे ये वर्जन जो बिल्कुल बकवास लगा और इसकी वजह क्या है इसकी मैं तुम लोगों को पूरी डिटेल से बताता हूँ। अब मसला ये है कि ये हमारा जो PC का मसला भी है। अब एक्सेल में जो हमें डेमो करके दिखाया उन्होंने कहा जो PC एक स्टेबल PC था, अच्छा PC था। और बॉटम लेफ्ट पे आप लोग FPS देख सकते हो कितने ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट 40-45 FPS के आसपास आ रहे हैं जो कि बहुत ही कम है मेरे PC के अकॉर्डिंग। जब अच्छे PC के अंदर तुम्हें FPS जो वो 40-30 देखने को मिले ओरिजिनल फ्री फायर में, उसके बाद उन्होंने जब Amazon का जो वर्जन जो डाउनलोड करके दिखाया उसके अंदर उन्होंने प्ले किया तो उनको जो 80-90 FPS यानी 70 कुछ वो बता रहे थे, तो इतने FPS उनको देखने को मिल रहे थे। सो अब मैंने जो जब ये चीज़ देखी मैंने तो मैंने जो थोड़ा सा इसके बारे में सोचा और पता क्या पता लगा मुझे कि तुम लोग जाओ खुद अपने आप को जो पागल बना रहे हो, तुम लोग बात को समझते ही नहीं हो। अगर तुम लोग जाओ जितने भी APK ट्राई कर लो कुछ भी कर लो हमारा PC बहुत ज़्यादा मैटर करता है, मेन चीज़ हमारे PC है। तुम रेजिडेंट कर लो, तुम जो मर्जी कर लो, तुम कभी तो कहते परफॉर्मेंस कर ली PC ये कर लिया वो कर लिया। अब मेरा जो ग्राफिक कार्ड था वो था 2 GB का और AMD का काफ़ी ओल्ड जो सीरीज़ थी वो, और वो नहीं इस्तेमाल सकता और मेरा CPU जो है वो फर्स्ट जनरेशन था तो बहुत मुश्किल था उसके लिए MSI को इस्तेमाल। इसलिए मैं गेम लूप यूज़र हूँ, मेरा चैनल पे गेम लूप का ही कॉन्टेंट तुमने देखा होगा और कुछ मेरे से भाई पूछ भी थे कि यार आप MSI पे आ गए, तो MSI पे यार आना चाह रहा हूँ मैं बिकॉज MSI पे बहुत ही ज़्यादा स्मूथ गेम चलती है। जहाँ तक है मेरा लो एंड PC इसमें भी मुझे अगर जो 20-30 FPS देखने को मिले तो थोड़ा सा PC में अगर अपग्रेड करूँ तो कुछ बेहतर जो चल सकता है। और मैं यहाँ पे जो बता दूँ स्टैंडर्ड पे मैंने खेला है, स्मूथ पे खेलता तो शायद मुझे इससे ज़्यादा FPS भी देखने को मिल जाते। तो अब तुम ये
हो चुके हैं, क्या इसका मतलब यह कि हम जो रेडिट फाइल्स वगैरह या जो भी सेटिंग्स वगैरह कंप्यूटर में करते हैं क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फायदा नहीं ऐसे करने का, हमें जो कोई स्मूथनेस देखने को नहीं मिलती पीसी में। सो अब ऐसी भी बात नहीं है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको तुमने देखा होगा कि सारे जो तुम लोग को ये चीजें सिखाते हैं जो भी गेमिंग यूट्यूबर्स हैं, और वो कुछ ना कुछ छोटी मोटी टिप्स वगैरह देते रहते हैं। अब तुम लोग खुद सोचो, अगर वो तुम लोग को टिप्स प्रोवाइड करते हैं उनके पास कितना भंडार होगा टिप्स का, उनको क्या जरूरत है भाई वो इतना हैवी पीसी बनवाए, वो अपने छोटे से पीसी को जुगाड़ी बना लें। तो ऐसी बात नहीं है, पीसी भी अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है, और जो पीसी अपग्रेड करने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मुझे याद है जब मैंने हार्ड डिस्क से SSD पे जो स्विच किया था तो मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला था अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के अंदर। सो हर चीज को तुम लोग बैलेंस्ड रखा करो, लो किसी को या किसी को हाई ना रख दिया करो, यानी कि अब ये रेजिडेट करूंगा तो भाई पीसी बहुत हाई हो जाएगा, या ऐसी बात भी नहीं कि भाई तुम लोग बहुत महंगा ग्राफिक कार्ड लगा लोगे तो तुम लोग पॉइंट ऑफ व्यू बन जाओगे, ऐसी बात नहीं है। प्रैक्टिस भी मैटर करती है, हर चीज जो लेवल से मैटर करती है। सो अब तुम लोग को बात की समझ आ गई कि मैं तुमको क्या समझाना चाह रहा हूँ। यार जो भी मैं बातें कर रहा हूँ ना उनसे तुमने डीमोटिवेट नहीं होना बल्कि मोटिवेट होना है, और अपने आप यकीन रखना कि तुम भी अच्छा पीसी ले सकते हो। और एक्सेल भाई की इसमें बिल्कुल गलती नहीं है, उनका जो उन्होंने पूरा सही प्रोवाइड किया, बिल्कुल सही एपीके है, सेफ एपीके है। अगर तुम लोग जो लगता है कि सेफ नहीं है तो तुम लोग जो उनके ऐप स्टोर से भी, अमेजोन के ऐप स्टोर से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, और अगर तुमने डाउनलोड कर तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गया, वहाँ से तुम लोग एपीके जो अमेजोन का डाउनलोड करके चेक कर सकते हो। अगर तुम लोग को मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम लोग डाउनलोड करो, और ये सेफ है टोटली, बिकॉज ये फ्री फायर ने खुद जो है वो अमेजोन के ऐप स्टोर पे अपलोड किया हुआ है। सो ये वीडियो से पसंद है वीडियो को लाइक करना, और अगर तुम लोग सिर्फ हाई FPS चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो तुम्हारे लिए बेटर रहेगी, वरना जो राइट वाली वीडियो से तुम लोग जो गेम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर ही सकते हो। और वीडियो से जरा सा भी फायदा होना तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज इस तरह का कॉन्टेंट फायदे वाला तुम लोग को आगे भी मिलता रहना चाहिए, और मिलेगा अभी। सो सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा देना, ठोको लाइक, बाय।